नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सुमित और आप देख रहे हैं सुमित ज्ञान। इस चैनल पर मैं किताबों से जुड़ी वीडियोस बनाता हूं, तो अगर आपको किताबें पढ़ना पसंद है या फिर किताबों से जुड़ी वीडियोस देखना पसंद है तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो होता क्या है कि मैं हर मंथ के स्टार्टिंग में एक वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं बताता हूँ कि मैंने पिछले महीने कौन कौन सी किताबें पढ़ी और उस महीने में कौन कौन सी किताबें पढ़ूंगा। यानी आज ये वही वीडियो है जिसमें मैं बताऊंगा कि मैंने अभी पिछले महीने यानी जुलाई में क्या क्या पढ़ा और अगस्त में मैं क्या क्या पढ़ने का सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, लास्ट मंथ पढ़ने के हिसाब से काफ़ी बेकार रहा, मैंने सिर्फ 3 किताबें पढ़ी। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मैंने 5 किताबें सोच रखी है पढ़ने के लिए और अगर 5 खत्म हो गई तो उसके बाद 6th भी सोच रखी है कि मुझे कौन सी पढ़नी है। अगर आपको ये वीडियो बाकी वीडियो से अलग लग रही है तो मैं आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ हैं सुनिधि चौहान और ये आज के बाद हमेशा रहेंगे इन वीडियोज़ में। दोस्तों, मैं टाइम खराब ना करते हुए जल्दी से आपको बताता हूँ कि मैंने लास्ट मंथ कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। लास्ट मंथ जो मैंने सबसे पहले खत्म करी वो थी वुदरिंग हाइट्स और ये मेरी पहली क्लासिक थी। अब इस बुक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैंने इसे पहले भी कई बार पढ़ने की कोशिश करी, लगभग 2-3 बार मैं इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ के इसे छोड़ देता था क्योंकि मुझे काफ़ी मुश्किल से समझ आते थे चैप्टर। और क्लासिक्स में यही होता है कि पुराने टाइम की इंग्लिश होती है तो काफी मुश्किल होती है पढ़नी, बट फाइनली मैंने इसे पढ़ लिया और मुझे काफी बढ़िया लगी है। दोस्तों, इसके फर्स्ट हाफ में मेन कैरेक्टर्स की लव स्टोरी है और उसके बाद उनके बच्चों की लव स्टोरी है। मैं इसका प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊंगा जो मैं इसी मंथ डालूंगा। नेक्स्ट बुक जो है वो है विल ग्रेसन विलग्रेसन बाय जॉन ग्रीन एंड डेविड लेविथन। अब इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मुझे काफी बढ़िया लगी और काफी फनी और मैं जरूर रिकमेंड करना चाहूंगा सबको। अगर आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसके रिव्यू का। अब जो आखिरी किताब है जो मैंने जुलाई में खत्म करी, ये बुक भी मैं ऑलरेडी एक बार स्टार्ट कर चुका था बट पूरी खत्म नहीं कर पाया था और ये लगभग 1 साल से मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो किताब है गोन गर्ल बाय गिलियन फ्लिन और दोस्तों ये एक थ्रिलर है। एक बंदा होता है निक और उसकी पत्नी होती है एमी। होता क्या है कि निक और एमी की 5th वेडिंग एनिवर्सरी होती है और एमी गायब हो जाती है एकदम से। तो निक जाता है पुलिस वगैरह के पास और पुलिस उल्टा निक पे शक करती है। मुझे काफी बढ़िया लगी है, जो मैंने सोचा था उसका एकदम अपोजिट हुआ इसमें और काफी हद तक ये मेरी एक्सपेक्टेशन तक पहुंची। बट जितना इसके बारे में लोग कहते थे कि काफी बढ़िया, मुझे उस हद तक की नहीं लगी है। मैं इस बुक के लिए प्रॉपर एक रिव्यू बनाऊंगा और उसमें काफी अच्छे से मैं इसके बारे में बताऊंगा कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं। इसी के साथ रैपअप खत्म होता है मेरा जुलाई का और अब बढ़ते हैं टीवीआर की तरफ। तो मैंने काफी बढ़िया बढ़िया किताबें टीवीआर के लिए रख रखी हैं और मैं काफी एक्साइटेड हूँ आपको दिखाने के लिए। तो जो सबसे पहली किताब है वो मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ चुका हूँ और रीड कर रहा हूँ मैं, मुझे काफी बढ़िया लगी। तो वो है गुनाहों का देवता जो की लिखी है धर्मवीर भारती ने। और दोस्तों, ये किताब मैंने खरीदी थी लास्ट ईयर बुक फेयर से। इससे पहले भी मैं ये किताब पढ़ चुका था, मेरे एक फ्रेंड के पास थी ये बुक और उसने मुझे सजेस्ट करा पढ़ने के लिए, तब मैंने पढ़ी थी। बट मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने लास्ट ईयर बुक फेयर से खरीदी इसे और अब मैं इसे दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ। मैं इसे लगभग आधी खत्म कर चुका हूँ और ये जल्दी खत्म हो जाएगी पूरी, तब मैं इसका रिव्यू बना के दूंगा आपको। इसके अलावा एक और किताब मैंने स्टार्ट कर दी है और वो है अ गैदरिंग ऑफ फ्रेंड्स जो की लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। इसमें टोटल 21 स्टोरीज हैं जिनमें से मैं लगभग 4 से 5 पढ़ चुका हूँ और मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता रहता हूँ जब भी मुझे थोड़ा टाइम फ्री मिलता है, क्योंकि इसमें सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं तो काफी जल्दी खत्म हो जाती है, तो ये लगभग पूरे मंथ चलती रहेगी मेरे साथ। थर्ड बुक जो मैंने सोच रखा है इस मंथ पढ़ने का वो है द 14 आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। अब इस बुक के साथ प्रॉब्लम क्या कि इसकी मूवी ऑलरेडी मैंने देख ली, क्योंकि उस टाइम मैं बुक्स पढ़ता नहीं था तो मैंने सोचा कि मूवी देखना सही रहेगा। अब मैंने मूवी देख लिया तो मेरे लिए सस्पेंस तो कोई रह नहीं गया, इसलिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये बुक मुझे अच्छी नहीं लगने वाली, बट फिर भी देखते हैं कि कैसी लगती है। नेक्स्ट बुक जो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ पढ़ने के लिए इस मंथ में, वो है ट्रेन टू पाकिस्तान बाय खुशवंत सिंह जो कि मैंने अभी अभी खरीदी है। अगर आप वो बुक हॉल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। ये बुक लिखी गई है 1947 में जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और जहाँ तक मुझे पता है कि इसमें उस टाइम के लोगों की स्टोरी है कि उस टाइम के लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी। लगभग 4 किताबें हो गई इस टीबीआर में और जो 5वीं किताब है वो है मिजरी बाय स्टीफन किंग। मैं स्टीफन किंग की किताबें काफी टाइम से पढ़ने का सोच रहा था और मैं काफी ज्यादा खरीद चुका बट मैंने पढ़ी नहीं, तो इस बार मैंने अपने टीबीआर में रखी लिया स्टीफन किंग को फाइनली। अब इसकी स्टोरी मुझे ज्यादा नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि इसमें एक राइटर होता है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और फिर जब वो जहाँ पे पहुंचता है वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो कि फिर आगे चल के उस राइटर को परेशान करती है, बस मुझे इतना पता है। बाकी मैं इस बुक के बारे में पढ़ के आपको जरूर इसका रिव्यू दूंगा। अब दोस्तों, मेरे साथ क्या है कि बल्कि सबके साथ होती है प्रॉब्लम कि जब आपकी पसंद की बुक मिलती है आपको तो आप बड़ी जल्दी पढ़ जाते हो, तो इस बार जितनी भी बुक्स है मेरे टीबीआर में मुझे काफी ज्यादा पसंद है और मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि काफी जल्दी खत्म हो जाएंगे, इसलिए मैं इस बार टीबीआर में एक और बुक रखूंगा और वो बुक होगी द शाइनिंग जो कि स्टीफन किंग ने लिखी है। अब ये स्टोरी है एक केयर टेकर के बच्चे की जिसे एक होटल में, वो होटल पूरा खाली है फिर भी उस लड़के को वहाँ पे कुछ लोग दिखते हैं आते जाते लिफ्ट से। मैं इसे लास्ट मंथ पढ़ना चाहता था बट मुझे लोगों ने कहा कि अगर मिजरी मैं पहले पढ़ लूँ द शाइनिंग से तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो इसलिए मैं मिजरी पहले पढ़ूंगा और अगर ये सारी बुक्स खत्म हो गई तब मैं जाके द शाइनिंग पढ़ूंगा। तो दोस्तों, ये था मेरा जुलाई रैपअप और ये है मेरा अगस्त टीबीआर और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में ये वीडियोस लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी या खराब लगती है तो मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कैसी लगी। उसके अलावा अगर आप ये बुक्स
खरीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका एफिलिएट लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खरीदें तो मुझे थोड़ा सा फायदा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।